हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे होंडा यूनिकॉर्न के जो मिसिंग प्रॉब्लम उसके बारे में। आप देख सकते हैं मेरे पास सीबी यूनिकॉर्न बाइक आया है, इसमें मिसिंग का इश्यू आया है। तो इस बाइक का ओनर का कहना है कि बाइक जब मैं पिकअप स्टार्ट करने के बाद जब पिकअप फर्स्ट गियर में डाल के जब इसको भगा रहा हूँ तो थोड़ा एक मिसिंग करते करते पिकअप लेते वो चल रहा है। ओके, और फुल पिकअप जब दे रहा है तब ये ठीक हो रहा है। और इसको चोक भी जब इस तरह से खींच रहा है तो बाइक स्मूथ हो जाता है। ओके, चोक देने से इसका जो मिसिंग प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। तो ये इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए, क्या क्या चेक करना पड़ेगा इस वाला कंडीशन के लिए। तो पहले मैं चेक करूँगा तो किस कारण से आपका बाइक मिसिंग कर सकता है। तो पहले आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप फर्स्ट टाइम जो प्लग और प्लग के आपका जो इसका जो यहाँ का जो लिंक है इस वाला जो ये एंटी क्लॉकवाइज सॉरी ये आपको चेक कर लेना होगा। यहाँ पे रस्ट जम जाने से भी इसका मिसिंग करता है। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे मिसिंग करने का कोई वजह नहीं है, सही है। ओके, उसके बाद आपको प्लग को भी चेक करना पड़ेगा। तो मैंने ये भी देखा है जो प्लग नया प्लग है, देखने से लगता है कि अच्छा प्लग है और इसमें जो करंट आता है प्लग में, तो प्लग में किस तरह करंट आता है आपको दिखाता हूँ। तो पहले मैं प्लग को खोल लूँगा इस वाला प्लग रेंज से। तो देखिए प्लग को गौर से तो देख सकते हैं इसका प्लग जो है इसका वाइट है। तो प्लग इस तरह का वाइट होने से आपको पता लगाना होगा कि इसका जो माइलेज वो सही दे रहा है और इसमें एक भी प्रॉब्लम आते हैं कि प्लग चेक करने को तरीका आपको दिखाता हूँ। इस तरह से आपको दे देना होगा और यहाँ पे आपको रख के इस तरह से बॉडी पे लगा के चाबी ऑन करके सेल्फ मारना होगा। ओके, तो सेल्फ मारने से आप देख पाओगे यहाँ पे जो स्पार्क का जो लाइन है वो सीधा होना चाहिए। देख सकते हैं इसमें लाइन सीधा आ रहा है और कभी कभी मैंने देखा है इसका लाइन सीधा आ रही थी उसके बाद भी ये प्लग शॉर्ट थी, इसके लिए भी मिसिंग कर रही थी। तो उस कंडीशन में मैं बहुत परेशान हो गया था कि प्लग सही है फिर भी क्यों मिसिंग कर रहे। तो लास्ट में जब मैंने इस प्लग को चेंज किया तब पता चला कि इसका प्लग का फॉल्ट है। तो इस कंडीशन में आपको प्लग को एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स आपको चेक करना का इसका जो वायल, इस वायल में कहीं पानी फानी मिक्स है कि नहीं ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो आपको दिखाता हूँ इसका वायल कैसा है। देख सकते हैं इसका तेल पेट्रोल साफ सुथरा ही है, कोई भी पानी मानी इसमें मिक्स मेरे को नहीं लग रही। तो ये छोड़ दीजिए, ये ओके है। तो इसके कारण भी कर सकता है। ओके, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो आप कैसे चेक करेंगे, जब ये नॉब ऑन करेंगे
और थोड़ा सा किसी गिलास या किसी में आप लेंगे तो इसमें छोटा छोटा पानी का बूंद नज़र आएगा, तब आप श्योर होंगे ओके कि ये प्रॉब्लम इसमें है, इसकी वजह से मिसिंग कर रहा है। तो ये भी ठीक है, प्लग भी मैंने चेक किया था, सब कुछ ठीक है। और लास्ट में हम कार्बोरेटर को खोल के देखेंगे कि कार्बोरेटर के अंदर कोई गड़बड़ी है कि नहीं। तो चलिए कार्बोरेटर खोल लेते हैं। तो हम कार्बोरेटर को खोलने से पहले यहाँ पे जो बोनट है ये हम खोल लेंगे। यहाँ पे एक स्क्रू और फिर यहाँ पे एक स्क्रू, दो स्क्रू है और नीचे एक स्क्रू है। तो यहाँ पे देखिए एक स्क्रू है और ये एक बेल्ट है स्क्रू का, तो उस साइड से है तो ये ढील देंगे तो खुल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, मैं एक बात आपको बता दूं कि बाइक के ओनर बोल रहे थे कि पहले भी कार्बोरेटर रिक्वेस्ट किया था किसी बाइक मैकेनिक के पास, तब देख सकते हैं एक क्लीन है, साफ सुथरा ही लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो उसके बाद भी इसका मिसिंग प्रॉब्लम नहीं आया, मिसिंग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। ओके तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका प्रॉब्लम एक्चुअली में क्या है। खोलो इसका सब कुछ, इसका जो चोक का केबल है ये भी हम खोल लेंगे 14 mm का पन्हा से। तो फ्रेंड्स, कार्बोरेटर को मैंने खोला है और पहले आपको क्या क्या क्लीन करना होगा, तो इसमें जितने भी होल है आप देख सकते हैं, स्लोबिन, स्लोजेड, मैनजेड, ये मैनजेड है, ये देखिए ये स्लोजेड है। तो उसके बाद में आता हूँ, तो पहले आप जितने भी इसका होल है इस अच्छे से इसे यार क्लीन कीजिए। आपके पास नहीं है तो किसी गैरेज पे जाइए, उसको बोलिए। ओके और उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एयर स्क्रू ट्यूनिंग होता है, जो माइलेज सेटिंग कर लेके जैसे ट्यूनिंग कार्बोरेटर में दिया जाता है, इसमें जो इस वाला जो रबर होता है देख सकते हैं, ये रबर अगले में और पीछे में ये दो रबर रहते हैं। ये रबर अच्छी तरह से अब ठीक होना चाहिए, कोई छेड़खानी इसमें नहीं होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने चेक करने के लिए खोला है तो ये सही है। तो यहाँ पे कुछ आपको डस्ट वगैरह मिलने को दिखेगा। ओके यहाँ पे डस्ट वगैरह मिलने को आपको दिखेगा, तो ये आपको क्लीन कर लेना होगा। ये कार्बन में लोड था तो मैंने इसको साफ कर दिया। ओके उसके बाद ये जिसका जो स्लोजेड है, ये स्लोजेड बाइक का जो मेन प्रॉब्लम था, इस स्लोजेड जाम था। मैंने इस वाला आपको एक क्लच का वायर नहीं है फ्रेंड्स, ये आपको मैकेनिक के पास मिल जाएगा। आप देख सकते हैं ये एकदम ही पतला है, इतना छोटा होल से ये घुस जा रहा है, इसका मतलब ये क्लच वायर से नहीं होगा। ये इसका जो एक्सीलेटर केबिल है उसमें इस वाला वायर आपको मिलेगा, थोड़ी आसानी से मिलेगा मगर मिलेगा। तो ये मैनेज कीजिए, ये क्लीन नहीं होगा तो आपका इस तरह का मिसिंग आएगा। तो ये मैं जब इसको इस पार जा रहा था, दे रहा था तो नहीं जा रहा था, तो देखिए आप इसमें जा रहा है, आप देख सकते हैं ये वाला। ओके तो इस वाला से मैं इस तरह से घुमा के क्लीन कर लूँगा, तो ये नहीं जा रहा था, इसका जो लाइन तो जाम था। ओके तो फ्रेंड्स, मैंने कार्बोरेटर सेटिंग कर दिया, अब चलिए बाइक को आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको।
तो पहले क्या होती थी फ्रेंड्स, जब मैं इसको पिकअप दे रहा था तो आरपीएम 3000 या 4000 इस आरपीएम में आके ये रुक जा रही थी। तो अब देखिए यहाँ पे किस मुद्दे से आ गया, तो फ्रेंड्स सब देख सकते हैं मैं इस प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। अगर उसके बाद भी ना हो तो कमेंट में बताइए, मैं बताऊंगा कि उसके बाद क्या करना पड़ेगा मिसिंग सॉल्व नहीं हुआ तो। ओके okay?